आज मैं आपको लेके आया हूँ अपेक्स का क्रिटेक्स। अपेक्स क्रिटेक्स जो है ये हमारा रस्टिक, जो बाहरी दीवारें होती हैं हमारी, यानी एक्सटीरियर एरिया होता है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और जो अंदर वाला जो एरिया होता है इंटीरियर वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बाल्टी है, और कुछ हमारे पास ये कुछ पुराना पड़ा है मटेरियल, मतलब आधा बाल्टी बचा हुआ पड़ा है ये, और कुछ ये हमारे पास न्यू बाल्टी पड़ी है जो आप देख रहे हो साथ में। तो इसको हम बोलते हैं अपेक्स क्रिटेक्स। तो अपेक्स क्रिटेक्स का मतलब यही है कि इसके अंदर दाना होता है, दाना होता है तो उससे डिजाइन निकलता है और जो रस्टिक लुक होता है। तो इसमें चार पांच डिजाइन बन जाते हैं। तो इसमें अभी कुछ हम सैंपल आपको बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम पूरी दीवार भी बना के दिखाएंगे। इस वीडियो में बस आपको यही बताया है कि आप किस तरह से मतलब दीवार पे डिजाइन बना सकते हो। इसको कोई मैंने इस वीडियो को भगाया नहीं, दौड़ाया नहीं है, कुछ भी नहीं, और इसमें आपको रियल बताया मैंने। अगर आपने पूरी वीडियो वॉच करी और आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा, और आसानी के साथ आप डिजाइन बना सकते हो। इसमें तरकीब सारी बताऊंगा मैं, कैसे कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अब ये देख सकते हो इस तरह का मटेरियल निकलता है दानेदार, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो। और भी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, उनका भी मटेरियल चल रहा है जो वो रस्टिक के नाम से, और रस्टिक निकलता है काफ़ी उनका, वो भी डिजाइन निकालते हैं रस्टिक का जो मटेरियल है उससे भी रस्टिक निकलता है। लेकिन इस जो इसका मटेरियल है, इसके मटेरियल में बहुत ज़्यादा सफाई है, वो सफाई है, और जो डिजाइन है जिसे कोई और मटेरियल दूसरी कंपनी का हम यूज करते हैं तो उसे कुछ देर के लिए हम दीवार पर लगाने के बाद कुछ देर उसको ड्राई करते हैं, और इस मटेरियल को ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने दीवार पर मटेरियल लगाया और इस्तार किया इसको, उसका बेस बनाया बढ़िया करके, तुरंत आप फाइबर वाला जो आपका गुरमाला है उसे आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, और डिजाइन आपका हाथ साथ साथ ही निकलता जाएगा। तो इसमें इस मटेरियल में ये ज़्यादा खासियत है। दूसरे मटेरियल में कुछ ड्राई करना पड़ता है कुछ देर बाद, तो उसके बाद फिर गुरमाला चलाना पड़ता है, उसके बाद डिजाइन निकालना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें दो तीन सैंपल है, तो दो तीन मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। एक माइनस प्लस है, एक राउंड है, और एक और है हमारा सीधा वाला। तो तीन सैंपल हमने इसमें बनाए हैं, तो उनमें से एक सैंपल हमारा पास हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इस तरह से आप भी सैंपल, जैसे कस्टमर अगर आपको अब बोलता है कि सैंपल बनाने हैं तो सैंपल हाथों हाथ दिखा सकते हो। अगर बाई चांस नहीं है आपके पास कोई डिजाइन और कस्टमर कहता है कि डिजाइन दिखाओ, तो जहाँ पे आप काम करोगे बोलना भाई काम शुरू कर देंगे, और जब शुरू करेंगे तो आपको दो चार डिजाइन या तीन डिजाइन या चार डिजाइन आपको साथ साथ आपको दिखा देंगे। तो वैसे ही हमने किया है, सैंपल मांगा, सैंपल हमने नहीं दिया पहले, हमने उसी टाइम काम शुरू किया और उसी टाइम डिजाइन निकाल के दिखा दिया। जो भी पसंद आया कस्टमर को, उनने कस्टमर ने हाँ किया और हमने सीधा उसको कर दिया। बाई चांस अगर आपको लगता है कहीं कहीं पे दाना सेट में नहीं पहुँचा है, तो उसका क्या करना है, आपने गुरमाला जो होता है आपका उसकी किनारी से सेट से सीधा सीधा लकीर खींच सकते हो सीधा। ये जो डिजाइन है हमारा, ये वाला माइनस प्लस है, बहुत सीधा सीधा था राउंड वाला, और एक नीचे राउंड वाला है। तो ये दो सैंपल हमने बनाए थे, तो देख सकते हो दो सैंपल हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, इसमें कोई वेट नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, कोई टाइम नहीं लगाया, जैसे मटेरियल चलाया वैसे ही हमने साथ साथ ही गुरमाला मार दिया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। अच्छा, बात करते हैं, सैंपल तो हमारा बन चुका है, अब जो डिजाइन बनेगा वो अभी आपको आगे दिख जाएगा। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन जो जगह होती है बाहर की होती है, जहाँ पे पानी की बौछार गिरती है और अंदर पानी लिकिस होता है, या फिर बाहर की पपड़ियाँ पैंट की उतरने लगती हैं, तो वहाँ पे इसे करने से पपड़ियाँ पैंट की रुक जाती हैं और क्रैक्स वगैरह जो आते हैं, पपड़ी बनती हैं, क्रैक्स आती हैं, तो ये नहीं आने देता और वहाँ पे पानी भी अंदर नहीं जाने देता। जो कि बाहर की पानी की वजह से अंदर सिलाब आती है तो वो भी नहीं आने देता। ये सबसे पहला नंबर वन ये फ़ायदा। दूसरा ये कि कौन कौन सी दीवार पे इसको अप्लाई करेंगे हम। तो पहली दीवार तो मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे पपड़ी हो, सोरा सिल्लाब हो, तो वहाँ पे भी ये कामयाब है और अच्छा काम करता है, परफॉर्मेंस करता है। इसको अंदर भी हम लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर कमरों में यूज़ कर सकते हैं, पौड़ियों में यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, हर जगह यूज कर सकते हैं। बाहर की आउटर एरिया जो साइड होती है, बालकोनी वगैरह, ये सब जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए कौन कौन से बेस की ज़रूरत होती है। अगर आपका नमी दीवार है तो नमी दीवार पे आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हो।
सिर्फ एक आपको प्राइमर कोट लगाना पड़ेगा, और वैसे आपको प्राइमर कोट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर प्राइमर कोट अगर आप लगा लेते हो तो उसमें क्या होता है कि उसका रेता जो होता है, जो प्लास्टर वाला जो रेता होता है, नई दीवार होती है, न्यू दीवार, तो वो दब जाता है प्लास्टर उसके जरिए, प्राइमर के जरिए। और जब वो दब जाता है तो उससे क्या होता है कि जो आप ऊपर से आप डिज़ाइन निकालते हैं तो सिर्फ ओनली उसी का डिज़ाइन निकलता है, और जो नीचे का जो रेता जो कमबरती आता है, जिसकी वजह से जो डिज़ाइन हमारा उल्टा सीधा हो जाता है और ख़राब दिखने लगता है, तो वो दबा रहता है। तो इससे क्या है कि डिज़ाइन हमारा साफ साफ निकलता है। बाहर करते हो तो एक्सटीरियर प्राइमर लगाना है अपने, और अंदर करते हो तो इंटीरियर प्राइमर लगा सकते हो। एक्सटीरियर प्राइमर आप अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, लेकिन इंटीरियर प्राइमर आप दोनों साइडों में नहीं कर सकते, ओनली अंदर अंदर कर सकते हो, जो इंटीरियर वाली जगह होती है वहाँ पर कर सकते हो। तो नंबर वन ये। दूसरा ये, अगर दीवार ज़्यादा आपकी ख़राब है और आपका रस्टिक वहाँ पे नहीं हो पाएगा और लगता है कि यार ज़्यादा ख़राब है दीवार, तो उस पर क्या करना है आपने, दो दो या तीन दो पुट्टी अप्लाई करनी है, जैके वाल, एशियन वाल पुट्टी पाउडर वाली दो अप्लाई करनी है उस पर। उसके बाद प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद में आपने सीधा इसको अप्लाई करना है। सीधा अप्लाई जैसे आप करोगे वैसे ही आपका डिज़ाइन बहुत शानदार निकलेगा। इंडोलिसन है वो भी कवर हो जाएगा, छोटा मोटा इंडोलिसन रहेगा तो ये उसको कवर कर देगा ये डिज़ाइन आपका। तो उससे क्या है कि आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और डिज़ाइन बहुत सुंदर निकलेगा। तो ये आपकी दो बातें हो गई नई प्लास्टर वाली। और गुरमाला आप देख सकते हो, जैसे मैंने मटेरियल चलाया वैसे ही गुरमाला हमने सीधा सीधा चलाया। जहाँ पे दाना नहीं लगाया तो वहाँ पे गुरमाला की जो साइट है उससे हम डिज़ाइन निकाल रहे हैं। तो वैसे ही आपको ये डिज़ाइन निकालना है, और आपको रियल दिखा रहे हैं, कोई ये नहीं है मैंने वीडियो भगाई है। वीडियो थोड़ी सी हल्की सी आपको तेज़ लग रही है, लेकिन भगाई नहीं है ज़्यादा, हल्की सी तेज़ लग रही होगी, तो तेज़ तेज़ कर रहे हैं, तो वो स्पीड होती है इतनी ज़्यादा, स्पीड के साथ भी करना होता है। आप चाहो तो कम स्पीड के साथ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें जोड़ भी नहीं आते हैं। और ज़्यादा धूप में मत करना, ज़्यादा धूप में करोगे तो ये जोड़ आ जाएंगे। तो सुबह अगर सुबह 9 बजे काम शुरू करते हो तो 12 बजे तक करो, उसके बाद 3 बजे के बाद काम करना या 4 बजे के बाद काम करना। दोपहर में ज़्यादा काम मत करना गर्मी के दिनों में, क्योंकि जल्दी ये सूख जाता है, तो उसकी वजह से जोड़ ज़्यादा नज़र आते हैं इसमें। अगर कारीगर होता है सही तो वो जोड़ नहीं आते उसमें, क्योंकि कारीगर के ऊपर होता है कि किस तरह का काम करना होता है। डिज़ाइन जो है दोस्तों ये हमारा माइनस प्लस है। तो आपको मैंने बीच बीच में सारा कुछ बता रहा हूँ। अभी जो पीछे मैंने बात रोकी थी कि किस दीवार पर अप्लाई करना चाहिए, नमी दीवार का बता दिया है। रहा अपनी पुरानी वाली दीवार, अगर पुरानी दीवार आपकी ऑलरेडी पेंट हो रखी है और उस पर प्लास्टिक पेंट हो रखा है, ट्रैक्टर मल्सन हो रखा है अंदर की साइड में, तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सीधा। जहाँ जहाँ आपका ख़राब है वहाँ वहाँ सीधा रिपेयर डाल दो आप, थोड़ी मोटी छोटी मोटी पिल्ला पुट्टी की या जैके बाल पुट्टी या फिर एशियन बाल पुट्टी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो वहाँ पर डाल सकते हो। और छोटी मोटी जगह है तो रिपेयर डाल सकते हो, बकाया प्राइमर लगाने की थोड़ी बहुत जगह में ज़रूरत नहीं रहती है। अगर पूरी दीवार पर अगर पुट्टी या वाल पुट्टी आप कर रहे हो तो उस पर प्राइमर लगाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं बाहर की, हम जो आउटर एरिया होता है। आउटर एरिया में क्या होता है कि आउटर एरिया में एस या अपेक्स या फिर एल्टीमा लगा होता है, तो उसके ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमर या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। ये जो मटेरियल है ये खुद एक प्राइमर बेस होता है, प्राइमर इसके अंदर मिक्स होता है। इसकी पकड़ इतनी हार्ड होती है कि किसी पर भी अगर आप लगा दोगे तो ये चिपक जाता है। तो फाइनली डिज़ाइन जो इस तरह का आता है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह का आपका डिज़ाइन आएगा, और माइनस प्लस है। और कहीं भी देख सकते हो कि कहीं भी हमने इसको ड्राई करने का समय नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और इस तरह का डिज़ाइन आपको मिला है ये, और इस तरह का डिज़ाइन ये निकलेगा। ये वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी है, बड़ी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि डिज़ाइन कैसे निकलते हैं। और बात करता हूँ कि मटेरियल चढ़ाने की, और दूसरा मटेरियल के अंदर पानी कितना डालना होता है। तो 1 लीटर एक बाल्टी में मटेरियल में पानी आप डाल सकते हो, 1 लीटर करीब आप डाल सकते हो अगर ज़्यादा हार्ड है तो। और जैसे लगता है कि आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली मटेरियल है, तो आपका 1/2 लीटर करीब पानी आप डाल देना। 1/2 लीटर तो बेसिकली है, और नहीं तो 1 लीटर मटेरियल में पानी आपका पड़ेगा ही पड़ेगा अगर हार्ड है तो, और नहीं तो 1/2 लीटर आपका पड़ता है। हर एक बाल्टी के अंदर 20-25 किलो की होती है, इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जिस तरह से अब कुछ पेंटर भाई पूछते हैं कि यार इसकी थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, किस तरह से इसको करना रखना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मटेरियल लोहे वाले गुरमाले से और पत्ती के साथ चढ़ा सकते हो, और उससे ही आपको इकसार करना है इसको। चाहे तो आप जिससे आप डिज़ाइन निकालते हो फाइबर शीट वाले से, उससे भी आप इसको इकसार कर सकते हैं। तो इकसार उतना ही रखना है आपने कि दाना आपका गुरमाला के साथ टच हो
और दीवार के साथ टच होना चाहिए। अगर गुरमाला दीवार के साथ में, वो दाना दीवार से और गुरमाला के साथ में अगर टच हो रहा है और मटेरियल मोटा नहीं है और आपको लग रहा है कि हाँ दाना इसमें टच हो रहा है और थोड़ा थोड़ा डिजाइन गुरमाला से हमारा जो हम बेच चढ़ाते हैं उसके साथ निकलने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपका डिजाइन बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा। और आपको लगता है कि कम बर्ती कहीं पे माल चढ़ा हुआ है और डिजाइन हमारा मोटा हो गया है, कहीं पे मटेरियल हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो वहाँ पे डिजाइन नहीं निकल सकता। आपने जो भी जो गैप रखना है वो सिर्फ ओनली इसके दाने के बराबर गैप रखना है, जो उसका दाना होता है उतना ही मोटा मटेरियल चढ़ाना है। गुरमाला आपको खुद बता देगी कितना मोटा मटेरियल चढ़ाना है, ये आप खुद दे सकते हो। इतने करीब से मैंने दिखाया आपको, इससे ज़्यादा करीब से मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा करीब से दिखा दिया आपको। तो इस तरह के निशान से आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि हाँ आपका डिज़ाइन निकलने के लिए तैयार है, रस्टिक आपका बनने के लिए तैयार है। तो जैसे आप ये ऊपर का जोड़ देख रहे हो तो अभी ये सारा जोड़ आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई भी जोड़ नया नहीं आएगा इसमें, कहीं भी कुछ आपको नया नहीं आएगा और दीवार भी एकदम अच्छी बनेगी और बहुत बढ़िया बनेगी। दूसरी बात एक और, ये देखिए अभी इस तरह से दिखाया इन्होंने गुरमाला रख के, गुरमाला इसलिए रख के दिखाया कि दाना बराबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा दाना नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा मोटा दाना रखोगे मतलब ज़्यादा मोटा मटेरियल चढ़ाओगे तो उससे क्या है कि दिक्कत आ सकती है काफ़ी ज़्यादा और आपका जो डिज़ाइन है वो नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो हमने मटेरियल चढ़ाया था उसी के ऊपर डिज़ाइन निकाला है। तो मैंने इसमें सारी बातें आपको बताई हैं और एक भी मिस नहीं की है, और इसी तरह से और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो ये डिजाइन का जो नाम है वो माइनस प्लस है, माइनस प्लस बहुत आसान है निकलना। और एक जोड़ की बात कर बता देता हूँ आपको, जैसे अगर धूप में अगर आप काम कर रहे हो और आपकी दीवार 200 फीट या 500 फीट की दीवार है और आप कहते हैं यार उसमें जोड़ पड़ जाएंगे, तो आपने जितना एरिया आपने करना है, अगर 100 करना है या 200 करना है, अगर 200 फीट करना है तो 200 फीट तक आपने एक टैप लगा देना, मास्किंग टैप, एक इंची का मास्किंग टैप लगा देना है। और मास्किंग टेप लगा के आपने वहाँ तक उसकी सीध तक आपने काम करना है, उसके बाद गीले गीले पे ही मतलब वो टैप निकाल देना है और वहाँ पे आपका जोड़ बन जाएगा, जहाँ पे आप छोड़ोगे वो जोड़ बन जाएगा। उसके बाद वो टैप निकाल दो, उसके बाद चाहे 10 दिन बाद डिजाइन निकालो नीचे के जोड़ में आप, चाहे 20 दिन बाद निकालो, उससे क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो जोड़ के पास में आप बराबर मटेरियल चढ़ा देना आराम से और सीधा सीधा गुरमाला चढ़ा देना, लगा देना, उसके बाद वो आपका जोड़ ख़त्म हो जाएगा, जोड़ दिखाई नहीं देगा। और कुछ कैंटर भाई जो करते हैं वो ये काम करते हैं कि सीधा मतलब जोड़ आ जाता है तो आ जाता है, वो कहते हैं यार मार दो, तो वो जोड़ दिखाई देता है, मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है उस पर। अगर वो जोड़ दूसरा वाला जोड़ आपका सूख जाता है और नीचे वाला आपका गीला होता है तो उसमें क्या होता है कि वो गीला वाला आपका सूखे पर चढ़ जाता है। सूखे पर चढ़ने के बाद में तो क्या करना है, आपने आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा मोटा मटेरियल हो गया है, तो एक हल्का सा गीला ब्रश लें, गीला ब्रश लें, एक 3 इंची वाला या 5 इंची का, उसको आधा तक काट लें। काटने के बाद उसको हल्का पानी में गीला करें और गीला करने के बाद में हल्का हल्का उसके जो सूखे में जो बढ़ जाता है तो उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद में क्या होगा कि वो पूरा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो सूखा वाला आपका 2 दिन पहले का जोड़ होगा वो सारा निकल जाएगा और आपका नीचे का जो जोड़ है वो बिल्कुल प्रॉपर एकदम फर्स्ट क्लास बैठेगा, जिससे कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि उसमें जोड़ आपका आया भी था या नहीं था। तो गाइस फाइनल दीवार हमारी हो चुकी है, फाइनल में इस तरह की दीवार आई है, ये देख सकते हो। और अभी मैं पूरी सूखने के बाद भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी गीले में थोड़ा ऊपर जोड़ दिख रहा है और फाइनल में ये देखिए डिजाइन कितना साफ निकला है और कहीं भी कोई कमी नहीं निकली है। तो इस करके वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी आएंगी, अभी दिवाली का समय है और सारे लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो कहते हैं फ़ोन करते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा कि हमें ये बताओ ये बताओ, तो ये वीडियो पूरी अगर वो सुनते हैं और समझते हैं तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो में और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियो देखी, और इसी तरह से उनको वीडियो मिलती रहेंगी। और आगे के लिए और मैं एक वीडियो अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ पूरी डिटेल्स के साथ में। तो ये वीडियो हमारी फाइनली जो थी वो इस यहीं तक थी, और फाइनल में दीवार जो है वो इसी तरह की आई है और दीवार हमारी थी 150 फीट की। तो मिलता हूँ फिर मैं।